आज ये बहुत ज्यादा खुश है, पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया। सुबह से फोन करे जा रहे हैं ये, सुबह 4 बजे से कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज घूमने चल रहे हैं। और मैं तुमको बताता हूँ, आज बताइए किस कारण आप इतने ज्यादा खुश हो, तुम ये बताओ। तो गाइस मैं फाइनली आपको बता दूँ यार, मैं इतना खुश हूँ और जिंदगी में पहली बार इतना खुश हूँ, और इतना आप सब लोग मुझे प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, और बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए मतलब आज हमारे चैनल पर 1.5 लाख व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, और फाइनली आप सब लोगों का सपोर्ट है कि आज हमारे यूट्यूब चैनल राजेश प्रीति ब्लॉग्स पर 623 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और इन्हें 623 सब्सक्राइब करने में आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, और भविष्य में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो यार मैं क्या ही बोलूं कि यार जिंदगी में जब दिल से कोई काम करता है और आप सब लोगों का इतना सपोर्ट मिलता है, तो यार दिल इतना खुश हो जाता है, और आप खुशी मतलब अपनी खुशी इतना इतनी हो जाती है कि रिवील भी नहीं कर सकते, और मतलब आपकी खुशी को जाहिर करने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। चलिए दोस्त आप चलते हैं एक नई लोकेशन को आपको दिखाते हैं, और आज हम एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ की मतलब जो जिस चीज में मुझे लगन है, चलिए चलते हैं। ये हमारे यहाँ का पुल काफी जबरदस्त सीन है यार, इधर देखो काफी मजा आ रहा है यार। और यहाँ पे ना होली आने वाली है आज, मतलब 1 मार्च और 6-7 की होली के जस्ट बाद यहाँ पे मेला लगता है, और काफी बड़ा मेला लगता है। और मतलब यहाँ पे हमने लगभग 15-20 दिन पहले गुंडाराज की मूवी भी शूट की थी, यहाँ का थोड़ा सा सीन लिया था। जो पेड़ दिख रहे हैं ना, पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे शूट हुई थी हमारी गुंडाराज की मूवी। चलिए अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। इधर देखिए सरकारी ट्यूब वेल है। अरे साहब देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यार। तो गाइस देख सकते हो पानी कितनी मस्त तरीके से जा रहा है, बहता हुआ, और यहाँ हम धोने वाले हैं अपने बेल, इतने जोर से हम ऐसे खाए जा रहे हैं। अरे पानी बड़ा गर्म है भाई इसका, इसमें मैं तो अरे नहाओ जाए कभी पानी गर्म मजा आ जाओ भाई साहब। नहाओगे दादा, नहाओगे? नहाएंगे यार, एक दिन गर्मी में आएंगे नहाने इसमें। तो गाइस तुम इसमें बहुत गहरी है, ये बहुत गहरी अंदर क्या। बेर खाली होने जा रहे हैं। अरे गाइस गाड़ी गिरने से बची, बाल बाल देख सकते हो क्या हुआ, हम जब गाड़ी पे बैठे। चलो भाई जब बाय बाय जाओ तुम, हम यही रुकते हैं। और ने अपनी जेब में देख सकते हो भाई, अपने बच्चों के लिए बेर भर लिए हैं, देखो जेब भरी भर। इनके दो बच्चे भी हैं घर पे बेर खाने वाले, इसलिए इनने बच्चे मन के सच्चे हैं। और गाड़ी गिरा, गाड़ी गिरा दे, गिरा दे गाड़ी करा। तो कहा ऐसे हम चाहत वानी, तो हम अपनी सीट प्रदान कर लेती और हमारे साथ कर चलती।
आ चुके हैं बिसौली में, और ये है बिसौली का मेन हाईवे। हम आए थे पौधा लेने, क्योंकि हमने पौधे लगाए थे ना, वो पौधे गए थे सूख, और सूखने के बाद में हमने बोला था भैया के लिए, रजिंद्र भाई के लिए, रजिंद्र भाई हमारे पौधे सूख गए हैं। सूखने के बाद में अगर आपका पौधा सूख जाता है तो आपको उस पौधे की जगह एक नया पौधा देते हैं, जो कि उनकी जब तक गारंटी होती है, जब तक ये पौधा मतलब ग्रोथ नहीं पकड़ लेता तब तक उनकी इस कंपनी की गारंटी होती है। तो हमारे वो पौधे सूख गए थे तो हमने उनके लिए बोला था, तो ये पौधे हम लाए हैं और ये हमें गिफ्ट में दिया है रजिंद्र भाई ने, कि एक पौधा लगा के देखो। और फाइनली हम ये घर पे जाके लगाएंगे और देखते हैं। वैसे तो ये बहुत ही क्वालिटी वाला पौधा बताया गया है, क्योंकि इसमें ये जो पौधा है ना, इसमें एक साल के अंदर दो बार फल आते हैं। ये अमरूद का पौधा और ये है रेड सैंडल, और फाइनली यही पौधे लेने के लिए आए थे। बट अब जाने वाले हम होली की वीडियो की शूटिंग करेंगे, तो उसकी शूटिंग के लिए हमें जो सामान खरीदना है, उस सामान हम बिसौली के अंदर जाके खरीदेंगे, और वहाँ पे चलिए चलते हैं अब यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी प्लेट आ चुकी है, और इतनी देर में पैसे निकालने बैंक गया था, इतनी देर में ये खा चुके हैं। सो फाइनली गाइस, पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो खाना तो यार स्वादिष्ट है, खैर अरे खा के नहीं देगा, खा रहा हूँ। भाई कैसा लगा खाने में? बहुत तो फाइन लिखा है, हमने खाना खा लिया है, उसके बाद हम निकलने वाले हैं घर के लिए, और बिसौली में अंदर हमें कुछ सामान भी लेना है, तो चलिए फाइनली सामान ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं रंग लेने के लिए, क्योंकि हमें कॉमेडी की वीडियो बनानी है ना, तो उसके लिए हमें रंगों की आवश्यकता है। और फाइनली ये रोड जा रहा है चंदोसी के लिए। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम कलर की दुकान पर, और यहाँ से हम लेने वाले हैं कलर, देखते हैं कौन कौन से कलर लेंगे आज। ₹30 का आधी किलो।
तो गाइस इधर देख सकते हैं हमारा कलर हो रहा है रेडी, और देखो कितनी कितने सारे कलर रखे हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए गाइस बोला हमने सारे कलर ले लिए हैं और भैया ने एक कलर हमें ऐसे ही मुफ्त दिया है देख वो टेस्टिंग के लिए। तो बहुत ही अच्छी रेट में सामान देते हैं और फाइनली हमने सारा का सारा सामान ले लिया है और अब चलते हैं यहाँ से। और भैया तो गाइस देखिए हमने ऐसे ऐसे मुखौटे लिए थे, अब बताओ कमेंट करके कामित कैसा लग रहा है। सो फाइनली गाइस अब हम आ चुके हैं मार्केट से वापस और फाइनली अब जा रहे हैं हम घर की तरफ और अब मिलते हैं हम घर जाके फिर देखते हैं कुछ काम वाम होगा तो करते हैं। और हाँ फाइनली हमें एक जगह मटकियाँ भी देखे जानी मटकी बोले तो जैसे कि खड़पुरी नहीं होती खड़पुरी बड़े बड़े बतासे नहीं होते वो देने जाना है हमें। पीछे का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है ये भूत डांस और ये भूत डांस करने वाला है। और हम हो गए पैदल और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों हमारी गाड़ी की हो चुकी है पेट्रोल खत्म, आधे रास्ते में हमें धोखा दे गई गाड़ी और अब हमें पैदल लेके जानी पड़ेगी। गाइस देख सकते हैं हमारी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई, देखो कैसे लेके आ रहे हैं हम गाड़ी। देखो देखो ये मंदिर कितना सुंदर मंदिर है, देखो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे और इधर देख सकते हैं देखिए ये दर्शन, इसके एक हाथ में पौधे हैं और दूसरे हाथ में जो हम होली के रंग लाए थे वो रंग इसके हाथ में लदे हुए हैं। दर्शन इधर है पीछे कैसे लग रहा है है? ना फिर भी था? है? तो गाइस हमारी टंकी खुल चुकी है उसमें पड़ने वाले पेट्रोल देखो इसमें। तो गाइस हमारी गाड़ियां पेट्रोल पड़ रही है देखो देखिए गाइस हमारी गाड़ी में पेट्रोल पड़ने के लिए हो चुके हैं रेडी, भैया पेट्रोल डाल रहे हैं हमारी गाड़ी में। स्टंट नहीं कर रहा है दोस्तों, बस यार कंडीशन ही ऐसी है अब यार दिक्कत ये है आप इस रोड पर जाए इस रोड को ये रोड जा रहा हूँ साहब है साहब कहाँ हूँ हम तो गए जी इतनी खतरनाक मोड़ है यार बहुत ही यार दिक्कत होती है यार किसने बनाए रोड साले इतने मोल रख दिए इस रोड में यार क्या ये बोला यार बहुत ही यार दिक्कत होती है यार बट यार
थोड़ा सा बढ़ते हैं उसके बाद भी रोड आया था बोर आ जाता है यार, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, समझता नहीं है। वो कितना वो पैसा है बच्चे खेल रहे हैं। आधा किलो ज्यादा भैया। तो गाइस यहाँ से हम ले रहे हैं खड़पुरी, खाना हम ना खाने यार, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम खाली दस बार जाते हैं तुम्हारे पास। अपना सामान रख दो, सब जैसे पौधा उगाएं पौधा ना रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भागवत वगैरह कथा वगैरह हुई थी तो ये बनाया गया था, और यहाँ पे देखो कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, मस्त नजारा है। और यहाँ पे देखो बहुत सारा फील्ड भी पड़ा है यार, मजा आ गया यार। हवन कुंड तो हाँ, हवन कुंड भी है, कितने सारे हवन कुंड बने हुए दिख रहे होंगे आपको वीडियो में। ये गांव है निजामुद्दीनपुर साहब, हर प्यारी देवी पब्लिक स्कूल, यहाँ पे हमारे गांव के बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं इस समय। तो गाइज हमारे घर बन रही है कड़ी, क्यों हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, सेम टू यू, हैप्पी होली, डांस कर सेम टू यू। सो फाइनली गाइज आज का ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त, और आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग में। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है हाथ जोड़कर, कि यदि आपको ब्लॉग में कोई भी बात अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताओ, और मतलब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक। बाकी मिलते हैं जल्द ही एक ब्लॉग में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।